वाराणसी में नामांकन दाखिल करने के बाद झारखंड के कोडरमा में पीएम मोदी की हुंकार, कहा कांग्रेस की कमजोर सरकार ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। कोडरमा की धरती से पीएम मोदी की बड़ी गारंटी, कहा आतंक या नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुका है। आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। श्रीनगर में हुए मतदान को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा दशकों बाद श्रीनगर में लोगों ने भारत के संविधान के प्रति लगाई मुहर। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा 370 को लेकर मोदी को गाली देने वाले खान खोलकर सुन लें, 370 की दीवार हटी और हमारे दिलों को जोड़ दिया। वाराणसी कलेक्ट्रेट में पीएम मोदी ने किया नामांकन, एनडीए के कई नेता रहे साथ में मौजूद। गाड़ी से उतरकर पैदल दफ्तर तक पहुंचे पीएम मोदी, पूरी की गई नामांकन की प्रक्रिया। वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी ने भरा पर्चा, कई राज्यों से बड़े नेता आए वाराणसी। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने किए काल भैरव के दर्शन, लिया आशीर्वाद। मंदिर परिसर में सीएम योगी ने की अगवानी, माला पहनाकर किया स्वागत। नामांकन से पहले पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर की मां गंगा की पूजा, मंत्रोच्चार के बीच मां को किया पुष्प अर्पित। पीएम मोदी ने मां गंगा का किया दुग्धाभिषेक, उतारी आरती। दशाश्वमेध घाट से क्रूज पर सवार होकर पहुंचे नमो घाट, पूजा से पहले पुरोहितों ने पीएम मोदी को पहनाया अंगवस्त्र। गंगा पूजन के बाद मां को याद करके भावुक हुए पीएम मोदी, बोले अब गंगा ही मेरी मां, उन्होंने गोद लिया है मुझे। पीएम मोदी ने काशी को लेकर जताया अपना प्रेम, कहा लोगों ने मुझे प्यार से बनारसिया बना दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर किया बड़ा दावा, कहा यूपी में खाता भी नहीं खोल पाएगी कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज, कहा केरल ने उन्हें भगा दिया तो रायबरेली वापस आए। अखिलेश और राहुल की जोड़ी को लेकर भी बोले पीएम मोदी, कहा ये दोनों पहले भी आ चुके हैं साथ, जनता इन्हें पहचान गई है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया चुनावी संकल्प, कहा देश कह रहा है अब की बार 400 पार। पीएम मोदी के प्रस्तावकों में के नाम में दिखा जातीय समीकरण का संतुलन, चार प्रस्तावक शामिल। रामदला की प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री का नाम भी प्रस्तावकों में शामिल, दो ओबीसी और एक दलित समाज के प्रस्तावक। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने खास वीडियो किया शेयर, काशी के महत्व को दिखाते हुए अपना रिश्ता समझाया। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर किया ट्वीट, लिखा काशी से अद्भुत है मेरा रिश्ता। पीएम मोदी के नामांकन पर बोले एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान, कहा हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं, कहा पीएम मोदी के रोड शो में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग शामिल हुए। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी ने बीजेपी को जीत का किया दावा, कहा 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करेगी बीजेपी, तीसरी बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के नामांकन में शामिल हुए एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा राहुल गांधी जो भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा इंडिया गठबंधन को लगने वाला है बड़ा धक्का, 400 पार सीटें जीतेंगे हम, हमें जनता पर है बहुत विश्वास। पश्चिम बंगाल के बनगांव में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा, बोले चार चरण के मतदान हुए पूरे, 380 सीटों का चुनाव हुआ पूरा, 380 में से 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत में पीएम मोदी।
अमेठी में बीजेपी अध्यक्ष ने की जनसभा, बोले भारत ने 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बनाई, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी, भारत आज मांगने वाला नहीं देने वाला भारत है। अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव के समय में आकर कहेंगे कि धर्म संकट में है। झांसी में राहुल और अखिलेश की साझा रैली, अग्निवीर योजना को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा हम अग्निवीर योजना को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा हरियाणा राजस्थान में हार रही बीजेपी। रूपनगर में आनंदपुर साहिब में सुभाष शर्मा ने दाखिल किया अपना नामांकन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर रहे मौजूद। रूपनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो, सीएम धामी ने स्वीकार किया लोगों का अभिवादन। सीएम धामी के रोड शो में गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। धर्मशाला के बीजेपी प्रत्याशी दीप चौधरी ने भरा नामांकन, नॉमिनेशन जमा करते वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में फाइल किया नॉमिनेशन, अपनी जीत का किया दावा। चंडीगढ़ में नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने किया रोड शो, जोश में दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता। उत्तर मुंबई से बीजेपी के प्रत्याशी पीयूष गोयल ने किया चुनाव प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से की वोट की अपील। बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने कहा देश की जनता ने मना लिया मन, पीएम मोदी की झोली में जाएगी 400 से अधिक सीटें। ओडिशा के अंगुल में संबलपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धर्म प्रधान ने किया रोड शो, लोगों से की वोट की अपील। ओडिशा में बीजेपी की जीत को लेकर बोले धर्म प्रधान, कहा ओडिशा में मोदी लहर, बीजेपी का सत्ता से बाहर होना तय। मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने भरा पर्चा, कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से मुकाबला। मंडी में कंगना ने नामांकन से पहले किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए बीजेपी कार्यकर्ता। कंगना रनौत की मां ने जताया बेटी की जीत पर विश्वास, बोली पूरी जनता बेटी को दे रही है आशीर्वाद। विक्रमादित्य सिंह के आरोपों को लेकर बोली कंगना, कहा मुझे हिमाचल के लिए करना है काम, बेबुनियाद है इनके आरोप। मंडी आज सारी ही मंडी में मंडी की बेटी को जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मौका दिया है और जिसके करके आज सारी बेटियों का जो है यहाँ मान बढ़ा है और उनका सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। आगरा में भारतीय वायुसेना को मिली एक और बड़ी उपलब्धि, एयरफोर्स ने भीष्म में पोर्टेबल क्यूब्स को किया ड्रॉप कर किया सफल परीक्षण। भीष्म का अर्थ है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, विपरीत परिस्थितियों में क्यूब्स मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने में होंगे मददगार। देहरादून में उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने चारधाम यात्रा के इंतजाम को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उन्नाव की छात्रा अंशिका तिवारी ने मारी बाजी, 12वीं में हासिल किया 96.8% अंक। मुजफ्फरपुर में लीची के बागानों में हो रही बकरी की फार्मिंग, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र दे रहा प्रशिक्षण, किसानों को होगा 10 गुना फायदा। दिल्ली में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की जताई आशंका, 44 डिग्री तक जा सकता है पारा। नवसारी में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, आम की फसल को हुआ नुकसान। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से बदला मौसम का मिजाज, सड़कों पर हुआ जलभराव। बारिश होने से लुढ़का पारा, लोगों को मिली गर्मी से राहत। राजौरी में भारतीय सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, बड़ी संख्या में चेकअप करवाने पहुंचे लोग। मुंबई में चुनाव प्रचार में शामिल हुए अभिनेता गोविंदा, महायुति के प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। डीयू के छात्रों ने मतदान को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, 52 कॉलेज के छात्रों ने अभियान में लिया हिस्सा। राजस्थान के करौली में 5 दिवसीय गुमानो माता के मेले का शुभारंभ, हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। जयपुर 2008 बम ब्लास्ट की 70वीं बरसी पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, पीड़ित परिवारों ने मांगा इंसाफ। हरिद्वार के कव्वाली कार्यक्रम में मुस्लिम समाज ने मोदी सरकार के लिए मांगी जीत की दुआ, पेश किया कलाम। पंजाब के लुधियाना में पंजाबी कवि सुरजीत पात्र की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सीएम मान, दी श्रद्धांजलि।
डिब्रूगढ़ में सोनोवाल कचारियों द्वारा पारंपरिक बहुआ नृत्य का किया गया आयोजन, भगवान शिव पर आधारित नृत्य। गंगा सप्तमी के मौके पर हरिद्वार में लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी, विधि विधान से किया पूजा पाठ। कुल्लू के रथ मैदान में हुआ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कार्यक्रम का आयोजन, मतदान को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। औरैया में बीजेपी के नेता को वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन का वीडियो बनाना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज। आज दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी भिड़ंत, दिल्ली में खेला जाएगा मुकाबला। गुजरात और कोलकाता का आईपीएल मैच बारिश के कारण रद्द, दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की रेस से बाहर, टॉप टू में कोलकाता की जगह हुई पक्की। गुजरात ने अब तक 13 में से 5 मैच जीते और 7 हारे, जबकि कोलकाता 13 में से 9 मैच जीत चुकी है और 3 हार चुकी है। बीसीसीआई ने हेड कोच पद के लिए आवेदन मंगवाए, 27 मई तक अप्लाई करना होगा। वर्ल्ड कप के बाद खत्म होगा द्रविड़ का कार्यकाल। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चौथे दिन भी हिंसक विरोध प्रदर्शन, अब तक 100 से अधिक लोग घायल। मेमोरियल डे भाषण के दौरान नेतन्याहू के साथ धक्का मुक्की, नेतन्याहू ने कहा हम सभी को वापस घर लाएंगे। गाजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों की तत्काल रिहाई के लिए तेल अवीव में रैली, शांति प्रस्ताव की कर रहे हैं मांग। सैन्य अभियान के विरोध में वेस्ट बैंक में मार्च, फिलिस्तीनियों ने इसराइल पर लगाए नरसंहार के आरोप। लेबनान के शक्तिशाली हथियारबंद संगठन हिजबुल्ला की धमकी, उत्तरी इसराइल के शहर और गांव हुए खाली।